दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आपको हिमाचल की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसका नाम है मदरा, उसके बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे बनाते हैं। तो मदरा की जो रेसिपी है जिसको आज हम यूज़ करेंगे, ये हमारा मदरा रेसिपी है। ये हिमाचल की एक ट्रेडिशनल। ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये है आपके ब्लैक पेपर, ये है कोरिएंडर सीड्स, सिनेमन स्टिक, फेनग्रीक ब्लैक पेपर, किडनी बीन्स एंड ये रिफाइंड ऑयल एंड दिस इज कर्ड, प्लेन कर्ड है ऑयल, रिफाइंड ऑयल इसको ऐड करेंगे हम। ये है आपका 200 ग्राम। अब इसमें हम ऐड करेंगे कर्ड, प्लेन कर्ड। इसको ऑन नहीं करना, गैस बंद रहेगी आपकी, बिना हीट के इसको आप ऐड करोगे इसमें। उसके बाद जो हमने इसमें आपका स्पाइसेस थी सारी, उसको क्रश किया, अब इसमें ऐड करेंगे उनको। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, इसको इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें हींग, थोड़ा सा हींग डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब उसके बाद इसमें डालेंगे हम सॉल्ट, हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, राजमा पड़े हुए हैं उसके हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे इसमें। अब हिलाते रहो, पकाते रहो और ये नीचे लगने के बहुत चांसेस रहते हैं इसके, तो इसको अच्छे से पकाना है, नीचे नहीं लगने देना है। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे, इसका कलर जब तक ब्राउन नहीं होता है, इसको ब्राउन कलर में लाना है। देखिए इसमें धीरे धीरे कलर आ रहा है और ये जो हमारा दही था वो धीरे धीरे फट चुका है, तो ये दही फट गया, तो अभी ये धीरे धीरे हल्का ब्राउन कलर आएगा, इसकी ग्रेवी अलग हो जाएगा और दही जो होगा वो अलग हो जाएगा। इसको बस इसी तरह पकाते रहना, हल्का लाइट ब्राउन कलर आएगा उसके बाद। ये देखिए इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहो जब तक ये अच्छे से कलर नहीं देता अपना, देखो तो काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिमाचली डिश है, ट्रेडिशनल हिमाचली डिश है, ये पूरे हिमाचल में बनती है मैक्सिमम, बट ये कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बनती है। तो ये बेसिकली मैंने जो रेसिपी खाई है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट की रेसिपी है आपकी। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से बनता है, कांगड़ा में जाओगे तो आपको इसका अलग टेस्ट मिलेगा, अलग फ्लेवर मिलेगा, और चंबा में जाओगे तो वहाँ पे अलग टेस्ट रहेगा, अलग फ्लेवर रहेगा। तो ये बेसिकली रेसिपी है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। अभी देखिए धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, हल्का ब्राउन कलर दे रहा है। अब जैसे कि ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे किडनी बीन्स, राजमा, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे और फिर आपके उसके बाद थोड़ा सा पकाएंगे और आपका फिर मदरा रेडी हो जाएगा। तो ये ब्राउन हो चुका, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं किडनी बीन्स, अब इसको ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा पकाएंगे, उसके बाद हमारा मदरा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, जो हमारे किडनी बीन्स हैं इनको हमने पहले बॉईल किया था, इनको बॉईल करने के बाद हमने इनको ठंडा किया, उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं इसको। तो अभी जैसा लग रहा है कि हमारा जो मदरा है वो बन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप कोरिएंडर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर आएगा और अच्छा भी दिखेगा। तो कलर तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, और जो इसकी फ्रेग्रेंस है, अरोमा है, बहुत बढ़िया अरोमा है ये। देखिए कितना अच्छा, मतलब एकदम स्मूद और एकदम बढ़िया लग रहा है। तो ये थी हमारी मदरा की रेसिपी, तो आगे भी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, तो इसके लिए आप नीचे जाइए लिंक में, वहाँ भी एक लिंक में मेरे नीचे एक वीडियो डाल रखी है मैंने, जिसमें मैंने बनाया था चिकन। तो अब ये सेकंड वीडियो है मेरी जिसमें मैं मदरा बना रहा हूँ, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे मैं बहुत सारी आइटम लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मदरा बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका और एकदम बढ़िया अच्छे से फिनिशिंग है, एकदम ब्राउन कलर में। तो आप भी अपने अपने घर में बनाइए इसको
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।